18 की उम्र में शादी से लाई कर किया गुजारा कैसे एक लड़की बनी राधे माँ। खुद को देवी बताने वाली राधे माँ एक बार फिर विवादों में है। इस बार वे दिल्ली के एक थाने में एसएचओ की कुर्सी पर बैठने के कारण चर्चा में आ गई हैं। इस मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं पंजाब के एक साधारण परिवार में जन्मी सुखविंदर कौर कैसे राधे माँ बन गई। जाने राधे माँ की पूरी कहानी। दाश बता दें कि 18 साल की उम्र में राधे माँ की शादी हो गई थी, जिसके बाद पति कतर की राजधानी दोहा में नौकरी करने चला गया। इस दौरान सुखविंदर, राधे माँ का असली नाम, लोगों के कपड़े सिलकर गुजारा करती थी। कुछ साल बाद 21 साल की उम्र में सुखविंदर कौर महंत रामाधीन परमहंस की शरण में जा पहुँची। परमहंस ने 6 महीने तक उन्हें दीक्षा दी और नाम दिया राधे माँ। 14 साल पहले पहुँची मुंबई और बदल गई लाइफ। राधे माँ नाम मिलने के बाद उन्होंने पंजाब हिमाचल में कई जगह अपनी चौकी लगाई और उनके लाखों भक्त बन गए। इसके बाद वे लगभग 14 साल पहले मुंबई जा पहुंची। यहां उनकी मुलाकात हुई मुंबई के मशहूर करोड़पति बिजनेसमैन एमएम गुप्ता से। गुप्ता मुंबई की मशहूर एमएम मिठाई वाला दुकान के मालिक हैं। राधे माँ से पहली मुलाकात के बाद ही वे उनके भक्त बन गए और किसी ने गुप्ता को बताया कि इनके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं। इसके बाद वे राधे माँ को अपने बंगले पर ले गए। बंगले के ऊपरी 2 मंजिलों पर उन्होंने राधे माँ को रहने की जगह दी। इसके बाद राधे माँ का चमत्कारी देवी कहकर प्रचार प्रसार किया जाने लगा और राधे माँ सुर्खियों में आ गई। अक्सर विवादों में रहती है राधे माँ। राधे माँ पर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। राधे माँ की भाभी बलविंदर कौर की हत्या के मामले में उनके भाई और पिता को सजा भी हो चुकी है। बलविंदर कौर के भाई जगतार सिंह ने गांव नानो नंगल में पिछले साल आरोप लगाया था कि उनकी बहन की हत्या में राधे माँ भी शामिल थी। जगतार ने कहा था कि राधे माँ के 2 भाई और पिता ने उनकी बहन की हत्या की थी, जिन्होंने 10-10 साल की सजा काटी। एक बार राधे माँ ने अपनी भाभी बलविंदर को इतना धमकाया था कि वे बेहोश हो गई थीं। जगतार ने बताया था कि उनकी बहन बलविंदर कौर का विवाह 29 नवंबर 1995 को राधे माँ के भाई सुखवीर सिंह उर्फ बिला पुत्र अजीत सिंह निवासी दोरांगला से हुआ था।